आपके लिंग में पूरी तरह से तनाव नहीं आ रहा, या आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे? क्या आप अपनी सेक्स क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं? हाउ यू कैन डू अ गुड पावरफुल एंड एनर्जिक सेक्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी मेडिसिनों के बारे में जो कि आपको इस सारी समस्याओं का समाधान करता है। अब हम बात करते हैं मेन टैबलेट के बारे में। तो यह मेन फोर्स्ट 100 mg टैबलेट होती है, जिसका कंडेन की बात करें तो सिल्डानाफिल है। तो अब हम बात करते हैं सिल्डानाफिल होती क्या है। यह PDE5 इनहिबिटर होता है। PDE5 इनहिबिटर होता क्या है? यह आपके शरीर में मौजूद यह एक एंजाइम होता है जिसे फास्फेट डाइस्टेरेज एंजाइम को बोलते हैं। में कुछ सारे ड्रग्स आते हैं, जैसे सिल्डानाफिल हो गया, टडानाफिल हो गया, एवनाफिल हो गया। यह फिल नामक की फैमिली होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो सबसे मेन इसका उपयोग किया जाता है अपनी सेक्स क्षमता को बढ़ाने के लिए। यह आपके लिंग में ब्लड वेसल्स को क्या करता है, प्रभाव को बढ़ाता है, तब जाके आपके लिंग में तनाव आता है। इसका मेन उपयोग बताएं तो स्टेराइल डिसफंक्शन का इलाज करता है, जिसे आप नपुंसकता बोलते हैं। तो बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो आपको खाना खाने के बाद एक टेबलेट आपको खाना चाहिए। आपको सेक्स करने से एक घंटे पहले इस टेबलेट का उपयोग करें तो आपको ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के बारे में बात करते हैं गाइस, साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको बताने के लिए। तो सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस टेबलेट का उपयोग करने के बाद आपको सर दर्द होगा। अगर आप इस टेबलेट का ओवर डोज ले रहे हैं तो आपको किडनी एवं लीवर में ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। नोजिया, वोमिटिंग, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द एवं चक्कर आना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको तो बात करते हैं इसके सलाहकार के अनुसार, यह आप इस टेबलेट का उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप इस टेबलेट का उपयोग करें। आपको उन पेशेंटों में से इसको नहीं लेना चाहिए जिनको एपिलेप्सी लॉन्ग टाइम डिसीज है, जैसे कि एपिलेप्सी, BP एवं शुगर जैसी बीमारी है, तो आप इस टेबलेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले, आप डॉक्टर को पूरी अपनी डिसीज़ के बारे में बता दें तो आपको क्या डिसीज़ है, वह अपने तरफ से कुछ मेडिसिनों को प्रेस्क्राइब करेंगे, जैसे कि MG पर दे सकते हैं या और भी कुछ कर सकते हैं। यदि आपको क्रोनिक डिसीज़ है तो आप इसको इस्तेमाल मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, एवं आप इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर को एक बार बता दें हैं आपको ज़्यादा ही बेहतरीन रहेगी। तो अब हम बात करते हैं इसके सावधानियां पूर्वक कैसे बरतें। तो आप इस टेबलेट का उपयोग करने के बाद आप धूम्रपान का सेवन ना करें, जैसा कि शराब, धूम्रपान एवं गांजा जैसी धूम्रपान का सेवन ना करें, क्योंकि यह दुष्प्रभाव को ज़्यादा बढ़ा देती है। एवं आप इस टेबलेट का उपयोग करने के बाद आपको हाई मेडिसिनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आसान भाषा में दवाइयों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं आपको यहीं पर, वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय बोलना, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, लव यू गाइस।